हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मैं आपका अपना गुरप्रीत सिंह आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शार्प कंपनी का 2-in-1, जिसका की मॉडल नंबर है QT90ZZ, तो जो कि मेड इन जापान है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबाना। और जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोज को लाइक किया, शेयर किया, सपोर्ट किया, तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना। वही देखते हैं शार्प के 2-in-1 QT90 के बारे में कुछ चीजें। तो ये देखिएगा, ये है शार्प कंपनी का 2-in-1 QT90ZZ, जिसमें कि डबल कैसेट डलती है और FM भी है, और दो साइड में स्पीकर भी हैं अटैच है इसके साथ। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर करना है तो। और ये देखिए स्पीकर सिस्टम शार्प, और ये देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये प्ले है इसका, और उसके बाद रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, इजेक्ट, पॉज, और ये डबिंग है। लाइक एक कैसेट से दूसरी कैसेट में अगर आपने फुल डबिंग करनी है, पूरी कैसेट रिकॉर्ड करनी है, तो ये आप कर सकते हो। और उसकी स्पीड यहाँ से सेट होगी, अगर नॉर्मल करनी है तो ऐसे, अगर फास्ट करनी है तो इसको प्रेस करके। और उसके बाद ये है रिकॉर्डिंग का, और ये हेडफोन है, सॉरी ये है पावर का, सॉरी, और रिकॉर्डिंग इस साइड है, एक साइड में होगी रिकॉर्डिंग, ये राइट वाली साइड में, और ये पावर का है। और उसके बाद ये है फंक्शन, लाइन और फोनो। इसमें आप रिकॉर्ड प्लेयर भी लगा सकते हो डायरेक्ट, वो मैं आपको पीछे दिखा दूंगा, ग्राउंड की वायर और RCA जैसे लगानी है, तो इसके आप स्पीकर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे FM मोड है, मोनो या स्टीरियो, और टेप आपने कौन सी चलानी है, क्रोम, मेटल या नॉर्मल, और ये स्लाइडिंग वाला वॉल्यूम है, और ये बैलेंस है। और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको बताया अभी, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड और स्टॉप, इजेक्ट और पॉज। और उसके बाद ये है APPS सेट क्लियर, और ये इक्वलाइज़र है, इसमें छोटा सा इक्वलाइज़र दिया हुआ है, और यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो। और उसके बाद ये बैंड सेलेक्टर है, जैसे कि FM, AM, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, जौन सा भी आपने चलाना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो बैंड। और सेकंड यहाँ पे आप ट्यूनिंग कर सकते हो, ये देखिए, और यहाँ से नीचे फाइन ट्यूनिंग, और ये टेप का काउंटर है। और बाकी यहाँ पे इसका हैंडल है जो कि नीचे हो जाता है, और ये इसका एरियल है FM का। और इसका अगर जैसे आपने स्पीकर रिमूव भी करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ रिमूव करके भी। इसमें एक साइड में एक छोटा सा लॉक है, तो उसको ओपन करके ये देखिए, ये रिमूव हो जाता है, ये लॉक है इसमें, और इसको प्रेस करके ही फिर इसको हम लगा सकते हैं दोबारा। तो ये इसको लॉक हो जाता है दोबारा। तो अब आपको मैं ये बैक साइड से दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से ही आपको घुमा के दिखा देता हूँ, ये होएगा कम से कम 5-6 किलो का तो होएगा ही। ये देखिए, ये स्पीकर की वायर है, यहाँ पे रोल कर देते हैं, और यहाँ पे स्पीकर लगता है, ये रहा। अगर लाइक आपने थोड़ा सा दूर भी रखना है तो भी आप रख सकते हो जितनी ये वायर होगी, या फिर आपको वायर लंबी करनी पड़ेगी। और ये इसकी मेन पावर कोट है, और ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, शार्प पोर्टेबल हाईफाई कंपोनेंट सिस्टम QT90ZZ, ये मेड इन जापान है। और बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है इसकी लाइन आउट, और ये लाइन इन जैसे फ़ोनों की आप कर सकते हो, लाइक फ़ोनों पे भी कर सकते हो और लाइन इन पे भी। अभी जैसे आपने रिकॉर्ड प्लेयर लगाया तो ग्राउंड की वायर यहाँ पे लगा के और RC वायर लगा के इसको फ़ोनों पे कर दोगे, और अगर वैसे कोई लाइन इन देनी है तो आप यहाँ पे लगा दोगे। और ये इसका दूसरा सेकंड स्पीकर है, जो उसकी वायर यहाँ पे है,
यह कि वायर तो इनकी छोटी है। अब आपको चला के दिखा देते हैं। तो ये इसकी पावर है। आप बड़े पबजी चैंपियन हो भाई। तो है यार, लेकिन अब तो बंद हो गया, अब क्या करें। वैसे क्या क्या अचीव किया है आपने पबजी में, बताओ तो सही कोई। तो ये देखिए, ये मैंने आपको FM चला के दिखाया अभी। अब आपको कैसेट प्ले करके दिखा दूंगा एक। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको कैसेट चला के दिखा देता हूँ। ये फॉरवर्ड है और ये रिवाइंड है। और उसके बाद मैं सेकंड वाले में भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, नहीं तो लाइक सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं या फिर कोई कि आपने सेकंड वाले में प्ले करके नहीं दिखाया। तो ये देखिए, ये जो है इसको हम प्रेस करेंगे तो टेप चलेगी, ये वाला रेड वाला। और अदरवाइज इसको लाइक प्रेस नहीं करेंगे तो फिर FM चल जाएगा। अगर इसको प्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये चलेगा टेप। तो देखा आपने गाइस, ये आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो एक कैसेट में, दूसरी कैसेट में, और FM भी चला सकते हो, यहाँ जोन से भी आपने बैंड चलाने, और इक्वलाइज़र भी है इसमें, इक्वलाइज़र भी आप सेट कर सकते हो, और पीछे रिकॉर्ड प्लेयर भी लगा सकते हो, और इसके स्पीकर में आप आवाज़ सुन सकते हो। तो ये अगर आपको किसी ने बाय करना है तो ये आपको पड़ जाएगा 5,500-6,000 तक का। तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सपोर्ट करना मेरी वीडियोज़ को, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो अभी तक नहीं है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।